आप हर साल बजट का इंतजार करते हैं और सरकार से अपनी मांग रखते हैं कि कुछ जरूरी चीजों पर भी आम बजट में ध्यान दिया जाए। लेकिन कौन था वो शख्स जिसने पहली बार भारत में आम बजट पेश किया और इसके पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा? जिस व्यक्ति ने पहली बार देश का आम बजट पेश किया था वो एक अंग्रेज था। 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सालाना बजट पेश करने की अवधारणा को शुरू किया गया। दरअसल जेम्स विल्सन को भारत में बजट का पितामह माना जाता है। जेम्स उस समय के वायसराय लॉर्ड कैनिंग की परिषद में वित्त सदस्य थे। इसके अलावा वो इंग्लैंड की संसद में सदस्य, यूके कोषागार के वित्त सचिव और व्यापार बोर्ड में उपाध्यक्ष थे। 1857 में हुए विद्रोह के दो साल बाद विल्सन 28 नवंबर 1859 को भारत आए थे। विद्रोह के चलते अंग्रेज सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। सेना पर ज्यादा पैसा खर्च होने की वजह से तत्कालीन ईस्ट इंडिया सरकार पर उधार बढ़ता जा रहा था। उस वक्त के सबसे कठिन दौर में विल्सन ने तब सरकार के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाई थी। विल्सन ने ही देश भर में पहली बार आयकर कानून को लागू किया था। हालांकि इस कानून को लागू करने के बाद जनता की नाराजगी दिखी, लेकिन तब जेम्स विल्सन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सुरक्षित माहौल व्यापार करने के लिए दे रही है, जिसके एवज में वो बहुत ही कम फीस आयकर के तौर पर ले रही है। जेम्स विल्सन जन्म से तो अंग्रेज थे, लेकिन इनकी कब्र पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मुलीक बाजार कब्रिस्तान में आज भी मौजूद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।